देखना बच के हाथ ना पकड़े। देखो डॉग को देख कैसे फाड़ता हुआ जा रहा है रोलेक्स। रामना महिला, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल PRKN ब्लॉग में। कैसे आप लोग? अच्छा है, मस्त हो गए। अभी जस्ट हल्की हल्की सी धूप आ रही है, देखो पीछे 4-5 दिनों के बाद। डॉग्स को थोड़ा सा बाहर निकालता हूँ, थोड़ा सा घूम लेंगे वो भी बाहर, थोड़ा बाहर का नज़ारा भी देख लेंगे। उसके बाद रोलेक्स को थोड़ी सी ग्रिप भी लगवाएंगे, उसके बाद फिर खाना वाना दे देंगे दोनों को। तो जो तो आ गया है बाहर, आते ही अपना खाना देख रहा है, सूंघ रहा है। रोलेक्स उधर से हरदम मचा रहा है, उसको भी बाहर निकालता हूँ। खाना तब तक हटा देता हूँ, नहीं तो देखेगा रोलेक्स तो गिरा भी देगा। तो फाइनली रोलेक्स भी बाहर आ गया है, और जो अभी अभी बाहर नहीं गया फ्रेश होने के लिए, अभी यहीं पे है। थोड़ी देर में वो भी बाहर जाएगा, पकड़ता हूँ, नहीं तो रोलेक्स भी उसके साथ निकल जाएगा बाहर। गेट खुल ही नहीं रहा इसलिए नहीं जा रहा है। जो बहुत चलाक है, अकेले निकलता है, देखता है रोलेक्स बाहर ना जाए। जब रोलेक्स इधर आ जाता है तभी वो धीरे से बाहर निकलता है, बहुत समझदार है। तो कितनी तगड़ी ग्रिप लगा रहा है। फिर हल्की हल्की सी धूप और ज़्यादा बढ़ रही है, ये देखो। गुड बॉय रोलेक्स। तो जॉय आगे बाहर से घूम के अब इसको यहीं पे बैठाता हूँ, देखता हूँ सुन रहा है कि नहीं। जॉय 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 सिट सिट गुड बॉय। ये देखो बैठ गया। और जो चिड़िया जो बीट करती है उसको खाता है, इसलिए इसके मुंह से झाग आ रहा है। जब भी उसको चाटता है तो मुंह से झाग आता है ऐसे ही, कि तभी मना करो फिर भी इसको पता नहीं मैं क्या लगता है। यहाँ पे सब बहुत देखो अभी भी बैठे हैं सब, कौए वगैरह इधर नीचे बीट करते हैं, वही आके ये लिक करता है, उसके बाद मुंह में ऐसे झाग आता है, ऐसा लगता है ऐसे डिटर्जेंट खा लिया हो। रोलेक्स को अभी किससे मतलब नहीं है, वो अपने ग्रिप में ही लगा हुआ है। देखो कैसे झटके मार रहा है। वैसे कल मैं जब इन दोनों को खाना देके चला गया था तो बच्चे बता रहे थे कि जॉय भी थोड़ा सा ग्रिप लगा रहा था, पता नहीं झूठ बोल रहे थे कि सही। मैंने तो अभी आज तक इसको कभी ग्रिप लगाते हुए नहीं देखा है, पर लगाने लगा तो बहुत अच्छी बात है, देखते हैं। मेरे सामने तो कभी नहीं लगा आज तक। रोलेक्स अब धीरे धीरे लकड़ी छोड़ के टायर पे ग्रिप लगाना शुरू कर दिया है, इससे इसकी ग्रिप और मजबूत होगी तो अच्छी बात है। देखो कट्स कैसे दिख रहे हैं, एकदम तगड़े इसके। आवाज़ भी निकाल रहे हैं एकदम तगड़ी तगड़ी सी। राज बोल रहा है कल ग्रिप लगा रहा था जो है, मैंने तो देखा नहीं है। बोल रहा है इसका बाल पक रहा है, बुढ़ा हो गया है जो है। गजब बेइज्जती है। हाँ तो इसकी एज 3 साल से तो ऊपर ही हो गई है, धीरे धीरे बाल पक रहे हैं। वैसे डॉग्स के तो बाल नहीं पकते होंगे मेरे ख्याल से। रोलेक्स ने रस्सी खोल दी है, और रस्सी खोलने के बाद वो टायर में ग्रिप लगाता नहीं है, पता नहीं क्यों। जब तक बंदी रहेगी तभी तक लगाएगा। देखो लेके इधर उधर घूम रहा है। देखो नीम के जो टहनिया गाड़ी थी उसमें घुस के क्या कर रहा है। अच्छा वो रस्सी वहीं पर लेके गया है, उसको देख रहा है। ये देखो अब खेलना शुरू हो गया इसका। अब ऊपर बंदर देख रहा है, पेड़ पर कहीं बंदर हैं कि नहीं। कभी सकता है, इसलिए मैंने बोल दिया इसको कि बच के लगा। देखो पूरा हवा में झुला दिया इसको, हवा में उड़ रहा है। तगड़े झटके मार रहे, देखो कितने तगड़े वाले। ये देखो झटके देखो इसके, अकेले कंट्रोल में नहीं आता है। ये देखो बिल्कुल हवा में उठा दिया राज ने। जो अभी आ रहा है फिर बाहर जा रहा है फिर आ रहा है। एक बार जोय को पकड़वा के देखो तो कर रहा है। जॉय को एक बार पकड़वाते हैं रस्सी, देखते हैं कर रहा है कि नहीं। जॉय ले भरो, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है रस्सी उसी में नहीं लगा रहा है ग्रिप। देखो ये देखो जॉय क्या कर रहा है लकड़ी के साथ, मुंह में लकड़ी पकड़ के ब्रश कर रहा है। ये देखो गुड बॉय। तो फाइनली अब शाम हो गई है गाइस, आज धूप भी निकली थी थोड़ी बहुत, तो लेके चलते हैं आज 2-3 दिनों के बाद थोड़ा सा बाहर घुमा के लाते हैं रोलेक्स को। अकेले हैं तो जॉय को नहीं ले जाएंगे, जो ले जाते हैं तो पंगा हो जाता है, बस रोलेक्स को लेके चलेंगे। जो है तब तक यहीं पे घूम लेगा द्वार पे ही। तो रोलेक्स को साथ जो भी बाहर चला गया तो उसको पहले अंदर करता हूँ। देखो पहले ही बाहर भाग गया वो, तो इसको ला दिया हूँ अंदर ही, बंद कर देता हूँ। इतनी सारी बाउंड्री आराम से खेलेगा, फिर आएंगे तो थोड़ा सा और बाहर खोल लेंगे, उसके बाद से वो फ्रेश हो लेगा अपना। एक स्टिक ले लेता हूँ स्ट्रीट डॉग से बचने के लिए। देखो डॉग को देख कैसे फाड़ता हुआ जा रहा है रोलेक्स। ये देखो दौड़ा दिया पूरा मेरे को, इधर ही भाग गया स्ट्रीट डॉग वो। देखो अभी भी उसी के फिराक में। अरे चल गईलू, चला जा जा जा, भाग गया वो डॉग उधर। फाइनली आ गया अपने ट्यूबवेल पे, अब रोलेक्स को अनलीश करते हैं। और आज इसमें कुछ ज़्यादा ही करंट है तो इसको निकलवाते हैं, क्योंकि रनिंग नहीं किया है 2-3 दिनों से। रोलेक्स को मैंने अनलीश किया और ये भाग गया था उसी स्ट्रीट डॉग के पीछे, उसको दौड़ाते दौड़ाते हालत ख़राब हो गई है, इधर जाके पूरे खेत में घुस गया था। अभी पकड़ के ला रहा हूँ, अब इसकी रनिंग कराते हैं। इसका करंट बढ़ता ही जा रहा है, 2 दिन क्या गैप दिया है तो पूरा एटम बम बन रहा है।
ये देखो रोलेक्स का रनिंग वाला जुगाड़ तैयार है और रोलेक्स भी तैयार है। ये देखो 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 देख रहे हो, शुरू करता हूँ रनिंग इसकी, कुछ ज़्यादा ही करंट में आ गया है। देखो रोलेक्स ने पकड़ लिया और पकड़ के नोच के फाड़ रहे हैं उसको। फिर से एक बार बांधता हूँ क्योंकि अभी खास रनिंग हुई नहीं है, बस एक दो मिनट की ही हुई है, तो अभी और करानी जरूरी है, नहीं तो इसका करंट बढ़ता ही जा रहा है। तो अब मैं कैमरा ले लिया हूँ, अरे देखो एक ही बार में पकड़वा दिया, उसकी रनिंग कम्प्लीट हुई नहीं थी, इसको अच्छे से करानी आ नहीं रही है, बस वही पर उछाल रहा है। दौड़ाओ उसको, दौड़ाओ उसको, नहीं करा पा रहा अच्छे से। मेन इसको दौड़ाना जरूरी है, जंप करने में तो एक नंबर है ये। रनिंग इसकी होनी चाहिए, रनिंग करेगा तभी स्टेमिना बिल्ड होगा इसका। फिर से कराता हूँ मैं, ऑफ कैमरा कराता हूँ इसको, गोल गोल घुमा रहे हैं पहले, ऑफ कैमरा अच्छे से रनिंग करा देता हूँ, उसके बाद थोड़ी सी ग्रिप प्रैक्टिस कराएंगे इसका। हो गई, ये देखो पीछे कैसे धूल उड़ रही है, पूरा गर्दा गर्दा कर दिया एकदम, देख रहे हो ग्रिप लगा के पूरा, मेरे को भी थका दिया, लेकिन अभी लगाई हुआ है टायर में। ये टायर बस दो तीन दिन चला, जिसका भी काम गिर गया है, पहले से काट दिया था, अब दो टुकड़े और कर दिए, तीन चार टुकड़े कर ही देगा लास्ट तक। ये देखो इसकी आँखें कैसी है, आँख दिखाओ, एकदम भूरी भूरी सी है। क्या खाया मुँह में, पान। ये देखो क्या खा रहा है, देखो ये अभी भी जोश में ही है। अरे रहने दो मत करो, रहन दो, छोड़ दो, दे दो इसको, तो जितना कराओ इसका मन ही नहीं भरता है, पर रहने देते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो गई है आज के लिए। अब थोड़ा सा रिलैक्स होने देता हूँ इसको, उसके बाद लेके चलेंगे घर, जो है तो वहीं पे अभी, उसको भी जाके खोलना है, थोड़ा बाहर जाके वो भी फ्रेश फ्रेश हो लेगा। A few inches later. तो फाइनली घर पे आ गया हूँ लेके रोलेक्स को, ये रहा, और जो अभी एक्साइटेड हो रहा है इसको देख, ये देखो कैसे मुँह छिला रहा है जॉय। बॉय रोलेक्स को बांध देता हूँ रूम में ही, अब ठंडी बढ़ेगी क्योंकि शाम होने वाली है, उसके बाद लाके इसको खाना दे देंगे, इसकी एक्सरसाइज ऑलरेडी हो ही चुकी है जितनी होनी थी, जो अभी पीछे पीछे आ रहा है, ये भी जा रहा है उसके पीछे। फाइनली रात हो गई गाइस, रोलेक्स को खाना इधर रख दिया है, जो इधर अपना खाना खा रहा है। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कल मिलता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, सबको शुभरात्रि।